डबल इंजन सरकार मुफ्त राशन से लेकर मुफ्त इलाज तक गरीब की हर जरूरत का ध्यान रख रही है। सिर्फ 3.5 वर्षों में ही लगभग 40 लाख नए नल कनेक्शन कर्नाटक में दिए गए हैं। इससे माताओं बहनों का जीवन बहुत आसान हुआ है। इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5,300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसका भी बहुत बड़ा लाभ इस क्षेत्र के लोगों को, मेरे किसान भाइयों बहनों को होने वाला है। साथियों, जब डबल इंजन सरकार नहीं होती है तब क्या होता है, इसका उदाहरण पीएम किसान सम्मान योजना में है। साल 2019 में जब केंद्र की भाजपा सरकार ने योजना शुरू की तब यहां कांग्रेस जेडीएस की सरकार थी। बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस जेडीएस ने बहुत कम किसानों के नाम केंद्र सरकार को भेजे थे। जब कर्नाटक में डबल इंजन सरकार बनी तो उसने कांग्रेस और जेडीएस की गलतियों में सुधार किया। आज कर्नाटक के करीब करीब 60 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। अब तक दावणगेरे के भी 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को भी लगभग 350 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मुझे खुशी है केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के जो पैसे भेजती है, कर्नाटक की भाजपा सरकार उसमें और पैसे जोड़कर हमारे किसान भाइयों की ज्यादा मदद कर रही है। यही है डबल इंजन सरकार का डबल फायदा।